गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आवर पीरियड इज़ ड्राइंग एंड टॉपिक इज़ स्लोगन विथ पिक्चर। बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 4 के ऊपर एक ड्राइंग दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है स्लोगन विथ पिक्चर मींस पोस्टर ड्राइंग। जैसे कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है सेव एनवायरनमेंट, तो आपको एनवायरनमेंट के ऊपर ड्राइंग करना है और उससे रिलेटेड स्लोगन लिखना है। तो आज हम ऐसा ही एक ड्राइंग ड्रॉ करेंगे स्लोगन विथ पिक्चर, जिसमें लेटर राइटिंग दिया हुआ है वाइब्रेंट गुजरात। तो वाइब्रेंट गुजरात एक स्लोगन है और अंदर जो दिया है वो एक पिक्चर के ऊपर स्लोगन के साथ हमें ड्राइंग दिया हुआ है, वो आज हम नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। कंप्लीट आउटलाइन में परफेक्ट ड्रॉ करना है और बाद में नेक्स्ट वीक में हम उसमें कलर करेंगे। ओके, सो ओपन योर नोटबुक, कंटिन्यू पेज। सो लिसन स्टूडेंट, यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 4 के ऊपर एक स्लोगन लेटर राइटिंग दिया हुआ है वाइब्रेंट गुजरात। आज हम उसे नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। आज हम सिर्फ पेंसिल आउटलाइन में ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में कलर सीखेंगे। ओके, सो ओपन योर नोटबुक एंड स्टार्ट लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग ड्रॉ करने के लिए पहले हमें एक ऐसे बॉक्स मीन्स रेक्टेंगल बनाना होगा। तो रेक्टेंगल का मेजरमेंट है 19x20 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग मेजरमेंट है 19 सेंटीमीटर और स्लीपिंग मेजरमेंट रहेगा हमारा 20 सेंटीमीटर। अब नीचे ऐसे दो पार्ट में लिखना है, एक पार्ट में वाइब्रेंट और दूसरे पार्ट में यहाँ पे लिखना है गुजरात। तो ऐसे बॉक्स का मेजरमेंट कैसे लेना है, तो स्केल को यहाँ पे रख देनी है आपको। देखो, ऐसे स्केल को यहाँ पे रख देनी है और पहले 0 पे स्केल रखनी है, 0 से लेके 11 पे डॉट, 11 से 14 पे डॉट, 15, 18, 19। सेम वे यहाँ पे देखो, 0 से 11 पे डॉट, 14 पे डॉट, 15 के ऊपर डॉट, 18 और नीचे आ गया 19। देखो, ऐसे डॉट कर देना है। फिर दोनों साइड की जो हमने जहाँ पे हमने डॉट किया है वहाँ पे हमें लाइन को जॉइंट कर देना है। दोनों साइड सेम मेज़र रखा है, 11 को 11 के साथ जॉइंट कर देना है। सेम वे 14, 15, 18 और 19 को यहाँ पे जॉइंट कर देना है। इतना हो गया। अब लिखना स्टार्ट करेंगे वाइब्रेंट गुजरात। तो वाइब्रेंट के लिए यहाँ पे देखो, टेक्स्ट बुक में 7 लेटर्स है, वी आई बी आर ए एन टी, टोटल लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स यहाँ पे है, बराबर। पहले हम 1 1 सेंटीमीटर का बॉक्स बना के उसमें लेटर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे 7 है। तो अगर ऐसे काउंट करेंगे हम 7, एक लेटर्स के लिए 3 बॉक्स, तो 3 3 यहाँ पे 3 आर के लिए एन टी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे लेटर है, एक लेटर के लिए 3 बॉक्स, तो 3 7 जा 21। फिर 2 लेटर्स के सेंटर में एक लाइन हमें लीव कर देनी है, तो वहाँ पे एक डॉट, एक बॉक्स चाहिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे, 21 प्लस 22 23 24 25 26 27 27। तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 27 लेना पॉसिबल नहीं है। तो हम अपने हिसाब से रैंडमली हमें लिखना है। तो देखो, यहाँ पे लाइन ऐसे आपने जॉइंट कर दी, यहाँ पे हमें 2 बॉक्स मिल गए। अब यहाँ पे लिखना है वाइब्रेंट। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, यहाँ पे वी लिख देना है, यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे बी, आर, ए, एन,
और यहाँ पे हमारा टी हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो ऐसे टी, यहाँ पे वाइब्रेंट में यहाँ पे टी लिख दिया लास्ट लेटर, देखो ऐसे हमने रेंडमली सिंगल लाइन में लिख दिया। अब हम उसे डबल लाइन में रिपीट करेंगे, तो देखो वाइब्रेंट वी के लिए नीचे से लाइन को थोड़ी इरेज कर देनी है, फिर यहाँ पे देखो ऐसे, सिंगल लाइन लिखी है, फिर उसको बाद में हम रिपीट करेंगे। देखो वी हो गया, यहाँ पे आई लिख देना है, आई लिख लिया, सेंटर की लाइन को इरेज कर देंगे। बी, यहाँ पे बी ऑलरेडी हमने ऐसे लिखा हुआ है अंडर, बी यहाँ पे आर, बी हो गया। अब ए लिखेंगे हम, तो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन हमने सिंगल लाइन में लिख दिया है, फिर यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन, देखो ए एन स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे स्लिपिंग लाइन करनी है, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन को लेना है, फिर यहाँ पे उसके साथ स्लैंटिंग लाइन यहाँ पे आएगी, देखो यहाँ पे ऐसे एन, और यहाँ पे लास्ट में टी। देखो यहाँ पे टी, ऐसे वाइब्रेंट हो गया। अब गुजरात, तो यहाँ पे जैसे हमने रेंडमली आउटलाइन में लिखा, सेम यहाँ पे वी से थोड़ा नीचे गुजरात सेम लेटर है, वाइब्रेंट में भी सेवन है और गुजरात में भी सेवन लेटर्स ही है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही गुजरात लिखेंगे, पहले जी लिखेंगे, देखो ऐसे जी, यहाँ पे लिखेंगे यू, फिर लिखेंगे जे, यहाँ पे जे, यहाँ पे लिखेंगे ए। देखो अब हमें आइडिया थोड़े आ गए हैं, तो ऐसे ही लिख देंगे हम ए, समझ में आया आपको? देखो ऐसे यहाँ पे ए, वापस आर, यहाँ पे आर लिखेंगे, आर यहाँ पे ए, और लास्ट में टी, वाइब्रेंट गुजरात ऐसे लिख देना है बराबर। और सेम पहले जैसे वाइब्रेंट में हमने डबल लाइन की, सेम डबल लाइन यहाँ पे करेंगे।
जी जी यहाँ पे यू यू को डबल कर देना है। यू हो गया डबल। यहाँ पे जे को डबल लाइन कर देनी है। देखो ऐसे ही बच्चों आपको पूरा वाइब्रेंट गुजरात डबल लाइन में लिख देना है। ओके, तो ऐसे वाइब्रेंट गुजरात हमने लेटर लिख दिया। अब ऊपर ऐसे करस बनाना है पॉट बराबर। तो उसके लिए आपको 5 बाय देखो 0 से लेके 5 सेंटीमीटर, 0 से ले स्टैंडिंग में यहाँ पे 10 पे डॉट कर देना है। फिर वहाँ से लाइन लेनी है, तो सेंटर में पॉइंट रखे 0 से 5 सेंटीमीटर का, ऐसे 5 बाय 6 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल बना के अंदर आपको पॉट बनाना है। ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे एक आपको ऐसे रेक्टेंगल बना देना है, सेंटर में लाइन बना देनी है, फिर यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, फिर नॉर्मली जैसे हम पॉट बनाते हैं वैसे पॉट आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे देखो यहाँ पे जो पॉट बना है वैसे सेम यहाँ पे आपको पॉट बनाना है। ऐसे हमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो खाली पेंसिल ओनली पेंसिल आउटलाइन में कंप्लीट करना है। आपको पीडीएफ मिलेगी और पीडीएफ में से देख के अच्छे से ध्यान से वीडियो ऑब्जर्व करके, वीडियो देख के पीडीएफ को ध्यान से देख के जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसे फॉलो करके आपको आज का जो हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग वाइब्रेंट गुजरात वो कंप्लीट करना है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, थैंक यू।